हाय गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे चिकन मलाई टिक्का। तो ये हम लोग के पास हाफ के जी वॉश्ड चिकन है, ये बोनलेस चिकन हम लोग ने लिया है। अब हम लोग इसमें बहुत सारे मसाले डालेंगे और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले इसमें डालेंगे 4 टीस्पून दही, ये हम लोग ने 4 टीस्पून पूरा दही इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1.5 चम्मच काली मिर्च, डेढ़ चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च, और 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कर्ड के साथ सारे मसाले मिलके एकदम एक करी जैसी बन जाएगी, जिससे इसके मसाले पूरी तरह से स्टिक हो जाएंगे चिकन में। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम लोग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद सीख में लगा के इसको कुक करेंगे हम लोग। पूरा मिक्स होने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, ये मैंने 2 टीस्पून सरसों का तेल लिया है। फाइव हंड्रेड ग्राम चिकन में और पूरा तैयार होने के बाद इसमें हम लोग 1 लेमन का जूस ऊपर से डाल देंगे। अब इसको सीखों में लगा के बारबेक्यू पे हम लोग धीरे धीरे पका लेंगे और ये रेडी हो जाएगा। बाय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये देखिए इसके 2 फाइनल क्लिप्स और दिखाएंगे। ये देखिए अभी ये सिक रहा है। ये देखिए हमारा चिकन बन के तैयार हो गया, बस इसमें अब हम लोग क्रीम डाल के खा लेंगे। इससे